हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग और स्किल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी जो आज की क्लास रहने वाली है वो सीडीपी की यानी पेडागोजी की आपकी क्लास रहने वाली है, बाल विकास की, और ये आपकी प्रैक्टिस क्लास रहने वाली है, ठीक है, जो कि आपके मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये जो आपका सेट मैंने लिया है ये आपका एसचैट का ही है, लेवल टू, जो कि 2022 में पूछा गया था, ठीक है। तो टीजीडी के ये क्वेश्चंस हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीडी, चाहे पीजीडी, सभी को ये चीज़ें जो है अटैम्प्ट करनी है, बिकॉज आपके जो क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंगली पूछे जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सेशन अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं और आप अपनी तैयारी को भी यहाँ पर जांच सकते हैं कि आप अभी राइट नाउ किस पोजिशन पर जो है खड़े हैं, आपको कितना और भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं और एज यूजुअल जो भी मैं बोलती हूँ कि आपको ये वाली जो ये वाला जो पेपर है ये इसके आंसर्स के साथ आपको नोट सेक्शन में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट होता है आपका, मोटिवेशन के चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है भाई, मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा, ठीक है। हु प्रोपाउंडेड द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब यहाँ से आपको ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि किसने दिया है हायरार्की, जो थ्योरी है मोटिवेशन का, अभिप्रेरणा की, वो किसने दी है, ठीक है। तो ये किसने दी है मोटिवेशन की, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है अभिप्रेरणा का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, हल्के द्वारा दिया गया था, मैस्लो के द्वारा, एटकिंसन के द्वारा या फिर थॉमसन के द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा ये जो सिद्धांत है वो मैस्लो के द्वारा दिया गया था, ठीक है, या पढ़ेंगे इस चीज को, मैस्लो के द्वारा इसको दिया गया था। और जो मैस्लो है इन्होंने बुक लिखी थी अपनी, कौन सी, मोटिवेशन और लर्निंग की, थोड़ा एडिशनल ज्ञान भी लेते हुए चलना, मोटिवेशन एंड लर्निंग की एक बुक लिखी थी, ठीक है। इस थ्योरी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी कहा जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, ठीक है, जिसमें इन्होंने जो है पांच स्टेजेस की बात करी है, पांच नीड्स की बात करी है, जिसमें आपका फर्स्ट है साइकोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, दूसरा है सेफ्टी, सेफ्टी नीड, तीसरा जो है वो आपका है लव एंड बिलोंगिंग्स का, ठीक है, एंड द फोर्थ वन जो है आपका वो है एस्टीम का, एंड जो पांचवा है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। शायद आपने कर लिया होगा ये सारी चीजें, तो ये थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया है कि नीड हायरार्की थ्योरी जो है वो मोटिवेशन की, वो मैस्लो के द्वारा दी गई थी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका डन हुआ यहाँ पर, मुझे एंड में जरूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने नंबर यहाँ पर बन रहे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल तक जा चुकी है, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। देखो भाई, अब जो आपका सिलेबस आया ना उसमें आपको पर्सनालिटी नाम की कोई भी चीज नहीं दी गई है, बट इस पेपर को जब आप देखेंगे ना तो इसमें चार से पांच क्वेश्चन आपके पर्सनालिटी से आए हुए हैं। तो पर्सनालिटी का हमेशा ही पर्सनालिटी का जो वर्चस्व है वो बना रहता है, तो इसलिए आप पर्सनालिटी को ना छोड़ के जाइए। अगर आप मेरे से पूछे, अगर मैं पेपर देने जाती हूँ या फिर करती हूँ, तो मैं पर्सनालिटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाऊंगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मेजरमेंट मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया है, जिसमें हमने जो मेथड्स उसको पढ़ा है, जो कि आपका एक प्रोजेक्टिव है और एक नॉन प्रोजेक्टिव है। तो नॉन प्रोजेक्टिव में जो आपके आ जाते हैं वो आपका सब्जेक्टिव आ जाता है, और एक आपका कौन सा आ जाता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है, जो कि आपके नॉन प्रोजेक्टिव है, और एक आपका आ जाता है प्रोजेक्टिव, ठीक है। ये प्रोजेक्टिव जो है इसको इनडायरेक्ट बोला जाता है, और ये जो है आपके ये डायरेक्ट मेथड कहे जाते हैं, जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी मेथड है, ठीक है। इतना पता चल रहा है सबको, अगर किसी ने वीडियो देखी है मेरी तो आपको ये सारी चीजें जो है आप रिगेन इसको कर लोगे, ठीक है। तो इसने पूछा है कि प्रोजेक्टिव कौन सा नहीं है, यानी कि वर्ड एसोसिएशन प्रोजेक्टिव नहीं है, सेंटेंस कंप्लीशन नहीं है, एक्सप्रेसिव मूवमेंट नहीं है, या फिर सोशियोमेट्री नहीं है। तो भाई इसमें सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं। अगर आपने पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता है कि जो सोशियोमेट्री है वो आपका किस में आता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। तो ये नॉन प्रोजेक्टिव है, प्रोजेक्टिव नहीं है। बाकी आपके कौन से है, बाकी आपके प्रोजेक्टिव में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हो गया यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉट एन एक्सट्रिंसिव मोटिव। मोटिव मोटिवेशन का क्वेश्चन फर्स्ट भी था और एक मोटिवेशन का क्वेश्चन और आ चुका है। तो मोटिवेशन का जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में है, तो आपको उसे अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होता है जो आपके अंदर से आते हैं,
ठीक है। और एक्सट्रेंसिक वो होते हैं जो आपको दिए जाते हैं, भाई आप इस काम को करो। जैसे आप जॉब करते हो, तो आप जॉब करते हो किसके लिए भाई? आपको सैलरी, आप सैलरी लेते हो किसी भी रिवार्ड के लिए काम करना, बोनस के लिए काम करना, तो वो क्या है? वो आपका एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन है, ठीक है, बाहरी मोटिवेशन। और इंट्रेंसिक मतलब जब आपके अंदर से आए कि आपको ये काम करना है, तो वो इंट्रेंसिक हो जाता है। तो इसमें से कौन सा जो है एक्सट्रेंसिक नहीं है, मतलब कोई एक आपका इंट्रेंसिक मोटिवेशन है? कंपीटिंग इन स्पोर्ट फॉर ट्रॉफी, यानी कि किसी भी ट्रॉफी के लिए आप कंपटीशन कर रहे हो किसी खेल में, ये आपका एक्सट्रेंसिक नहीं है। या फिर आप सैलरी के लिए जॉब कर रहे हो, या फिर आप सोशल सर्विस कर रहे हो, आप समाज सेवा कर रहे हो किसके लिए? अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी कि खुद की आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहे हो। या फिर आपके पास ऑफर है बाई वन गेट वन फ्री का, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें ये भी सारा एक्सट्रेंसिक में आता है, ये भी एक्सट्रेंसिक मोटिव है और ये भी एक्सट्रेंसिक है। बल्कि आपका ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये आपका कौन सा है भाई? ये आपका आंतरिक अभिप्रेरक है, ठीक है, बिकॉज इंटरनल सेटिस्फेक्शन है ना। तो ये आप जरूर ध्यान में रखोगे, क्वेश्चन थ्री का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। देखो फिर से आपका जो ये आया है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, फिर से आपका पर्सनालिटी का आ गया है ये। थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट इज यूज टू मेजर द डैश ऑफ स्टूडेंट, अब मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये जो टेस्ट है आपका, वो इंटेलिजेंस को मेजर करता है, एप्टीट्यूड को मेजर करता है, एटीट्यूड को मेजर करता है, या फिर पर्सनालिटी को। तो आपके साथ मैंने डिस्कस किया ही है कि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था नॉन प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, और एक पढ़े थे प्रोजेक्टिव, ठीक है। तो नॉन प्रोजेक्टिव में आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आते हैं, और प्रोजेक्टिव में आपका कौन से आ जाते हैं भाई? जो आपकी वर्ड एसोसिएशन है, थीमेटिक एपरसेप्शन है, सेंटेंस कंप्लीशन है, ठीक है, रोसार्च इंक ब्लॉक टेस्ट है, ये सब किस में आ जाते हैं? आपके पर्सनालिटी मेजरमेंट में, यानी कि प्रोजेक्टिव में आ जाते हैं। तो इसमें थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट आपका किसको मेजर करने का काम करता है? व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को मेजरमेंट करने का काम करता है। अगर इसके बारे में और जाने तो इसको किसने दिया था? इसको दिया था मॉर्गन एंड मुरे ने, ठीक है, मॉर्गन एंड मुरे ने 1935 में दिया था। और इनमें ना कार्ड्स की संख्या पूछी जाती है, तो इन्होंने जो कार्ड दिए थे ना, वो 31 दिए थे, ठीक है, जिसमें से 30 कार्ड जो थे वो आपके पिक्चर वाले थे, और एक जो कार्ड था वो आपका कौन सा था? वो आपका ब्लैंक कार्ड था, यानी कि खाली था, ठीक है। और ये जो पिक्चर वाले कार्ड थे ना, इस पिक्चर वाले कार्ड में ये सारे भाई ब्लैक एंड वाइट थे, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट थे और पिक्चर वाले थे, जिसमें से जो 10 थे वो मेल के थे, 10 जो थे वो फीमेल के थे, और बचे हुए 10 कैसे थे? वो बोथ थे, ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इस टेस्ट को रिवाइज करने का काम भी किया गया, किसमें? 1938 में इस टेस्ट को रिवाइज करने का काम किया गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको करवाई हुई है सारी चीज़ें, ठीक है, यूट्यूब पर भी करवाई हुई है, और आपको जो फोल्डर मैंने डाला हुआ है उसमें भी सारी चीज़ें आपको अपडेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर एक्सप्लेनेशन का होगा वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन से रिलेटेड कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है, ठीक है। नोट पूछा है, नोट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ा करें। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन है, उसके प्रति आप कैसे खुद को ढाल लेते हैं, वो आपका एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। जैसे राइट नाउ आपका एस्टर का एग्जाम चला हुआ है और आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप में से बहुत सारे वर्किंग हो गए, आपके घर के भी 100 काम होते होंगे, लेकिन आप फिर भी एडजस्ट करते हुए अपने लिए वक्त निकाल रहे हो, तो वो क्या है? वो एडजस्टमेंट आता है, ठीक है। अगर हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते तो फिर हम क्या हो जाते हैं? हम माल एडजस्टेड हो जाते हैं, यानी कि हमारा कुसमायोजन हो जाता है। अगर आप एडजस्टमेंट कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप हैप्पी हो जाएंगे उस सिचुएशन से, ठीक है। तो सिचुएशन से बचने के लिए आप किस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है विद रेफरेंस टू एडजस्टमेंट? क्या एडजस्टमेंट जो है वो इम्बेलेंस क्रिएट करता है, यानी कि अगर आप एडजस्ट करते हो तो वो असंतुलन उत्पन्न कर देता है, या फिर इट मोटिवेट टू चेंज द लाइफ एज पर डिपेंड ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये आपको
मोटिवेट करता है कि आप क्या करो, आप चेंज हो जाओ। सिचुएशन अगर चेंज हो रही है तो आप खुद को भी चेंज कर लो, क्या ये ऐसे बोलता है? या फिर इट गिव्स एबिलिटी टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन द कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट, आपके अंदर चेंज लाने के लिए आपको प्रेरित करता है। या फिर इन द एब्सेंस ऑफ, अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हो तो फिर आपको टेंशन और एनजाइटी वगैरह होने लगती है, तनाव और चिंता से कोई भी इंसान घिरा रहता है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है तो आप जरूर इस चीज को टिक कर सकते हो कि ये जो है 2, 3 और 4, ये सारे बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं एडजस्टमेंट से रिलेटेड। लेकिन अगर आप एडजस्टमेंट कर पाते हो तो फिर इम्बेलेंस कुछ भी नहीं होता, हर चीज आपकी बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो नोट पूछा है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जो समायोजन है वो असंतुलन उत्पन्न नहीं करता बल्कि परिस्थितियों को संतुलित करने का काम करता है। ठीक है, तो फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द एबिलिटी ऑफ, पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ये सभी को पता है। ठीक है, इन्होंने स्कीमा की बात करी है, अकोमोडेशन की बात करी है, असिमिलेशन की बात करी है, वो सब चीजें मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब अच्छे से पता है। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 जो स्टेजेस हैं उनके बारे में बात करी है ना। चलिए, और जो कि यहाँ पर आपके लिखे भी हुए हैं, तो इनका कहना है कि एबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, पलटावी क्षमता कब आ जाती है बच्चे के अंदर? तो जब हमने ये किया था, सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझी थी, तो आपका पहली स्टेज प्री ऑपरेशनल ही, सॉरी सेंसरी ही होता है। ठीक है, दूसरी स्टेज आपकी प्री ऑपरेशनल, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही बोलते हैं। तीसरी स्टेज कंक्रीट होती है, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और चौथी स्टेज कौन सी होती है? आपकी फॉर्मल होती है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान में आप रिवाइज कर सकते हो। तो इसने कहा है कि रिवर्सिबिलिटी कब आ जाती है, तो ध्यान में रखेंगे जो ई रिवर्सिबिलिटी है ना, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है, जबकि रिवर्सिबिलिटी आपकी किस में होती है? वो आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होती है। ठीक है, यानी कि पलटावी जो क्षमता है वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। अगर आपसे अपलटावी पूछे, इरिवर्सिबिलिटी पूछे, तो फिर वो पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आ जाता है ऑप्शन 3। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन 6 का हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थोड़ा फास्ट फास्ट भी करेंगे बिकॉज आपके पेपर बिल्कुल सर पर है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप रिवीजन भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट। इसमें से आपको मैचिंग बताना है कौन सी करेक्ट नहीं है। एक चीज और है, गांठ बांध लो इस चीज को, कि एरिक्सन ने ये जो सामाजिक उसके सिद्धांत दिए हैं, मनोसामाजिक जो विकास के सिद्धांत दिए हैं ना, ये भाई 8 स्टेजेस है ये शायद, तो इन 8 को ना भाई मतलब रट लो चाहे। ठीक है, तो इनको चाहे रट लो, कोई ऐसा एचटेट का पेपर नहीं आता जिसमें से यहाँ से सवाल ना आता हो। ठीक है, तो ये तो स्टेजेस आपको 101% पता होनी ही होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन भाई आता ही आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं हैं उनको दिया गया, और आपको ये बताना है कि कौन सी उनके स्टेजेस के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट क्या 3rd स्टेज है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन क्या 5th स्टेज है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट क्या आपकी 1st स्टेज है? या फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी आपकी 4th स्टेज है? तो भाई इसमें आप ध्यान में रखेंगे, सबसे पहली जो अवस्था है वो आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज होती है। ठीक है, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था होती है। ठीक है, जबकि इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम दी गई है। ठीक है, तो लेकिन ये जो आपकी स्टेज 1 नहीं है, बल्कि ये आपकी स्टेज 2 है। बाकी सब सही है कि यही आपके 3rd है, यही आपकी 4th है, और यही आपकी 5th स्टेज है। ठीक है, जनरली जो कन्फ्यूजन हो जाता है ना, जो हम जो दिमाग में नहीं रह पाता है, वो ये 4th वाली नहीं याद रह पाती और 3rd वाली। ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट तो इजी सी अब वो आप याद कर पाते हो, ऑटोनॉमी और शेम वाले भी आप याद कर पाते हो, तो 3rd और 4th में थोड़ा सा हो जाता है, हम एग्जाम में भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप ये 5 तो बस ये मतलब रट लो इनको, तो रट्टा मार लो चाहिए। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका जो 3rd ऑप्शन है वो गलत है, ये आपकी दूसरी स्टेज है, पहली स्टेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू स्कीनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्कीनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हमने कल ही पढ़ी है। ठीक है, तो स्कीनर का जो ये सिद्धांत है,
स्किनर का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग कौन से एलिमेंट नहीं है इनकी थ्योरी के, एक्सटिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, रीइन्फोर्समेंट। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ना अपने आप में थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, जब एचटेट का जो आंसर किया ही थी ना तो उसमें भी स्टार लग के आया था, मतलब ये ग्रेस मार्क्स गया था सबको, बिकॉज इस थ्योरी के अंदर एक्सटिंक्शन की भी बात होती है, डिस्क्रिमिनेशन की भी बात होती है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी की भी बात होती है, रीइन्फोर्समेंट की भी बात होती है, ठीक है। और ये जो तीन है ना आपके, ये आपके उसमें भी आते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग में भी आते हैं, और रीइन्फोर्समेंट तो होता ही होता है इसमें स्किनर की थ्योरी में, तो ये चारों ही इस थ्योरी का हिस्सा होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी आपका स्पेसिफिक आंसर नहीं बनता है, ठीक है, चारों ही है इस चीज के अंदर। और जब आंसर की आई थी तो वहां पे भी स्टार बन के आया था, ठीक है ना। तो एट्थ क्वेश्चन का कोई भी आंसर मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी, बिकॉज ये सारे ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नवा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एटीट्यूड, यानी कि अभिवृत्ति से आप अभिवृत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। पहले तो समझो कि एटीट्यूड होता क्या है, एटीट्यूड मतलब होता है किसी भी चीज़ के प्रति आपके क्या इमोशन है, आपके क्या बिलीफ है, आपका कैसा व्यवहार है किसी भी चीज़ के प्रति, वो एटीट्यूड कहलाता है। हम बोलते हैं ना ये तेरा कैसा एटीट्यूड है इस चीज़ के लिए, किसी का एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, किसी का नेगेटिव हो सकता है, किसी भी एक चीज़ के लिए आपका एटीट्यूड कुछ अलग हो सकता है, मेरा कुछ अलग हो सकता है, आपकी धारणाएं कुछ अलग हो सकती है, मेरी उसके बारे में अलग हो सकती है, आपके लिए हो सकता है आप में से किसी के लिए एचटेट बहुत ज्यादा प्रायोरिटी वाला हो, आपके लिए बिल्कुल दिन रात एक करने वाला हो एचटेट की मुझे क्लियर करना ही करना है, वो आपका एटीट्यूड है। किसी का है चलो देख के देख लेता हूँ, हो तो सही ना हो तो सही, है ना। एक कोई एक होगा कि फॉर्म भराया चलो एग्जाम देने चले जाएंगे, पढ़ाई हमने करनी नहीं है, तो सबका अपना अपना एटीट्यूड होता है, ठीक है। तो पहले एटीट्यूड आपको समझ में आया, अब इससे रिलेटेड कौन सा कथन है जो सही नहीं है। एटीट्यूड हैज मोटिवेशनल अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या ये अभिप्रेरणात्मक या फिर प्रभावोत्तात्मक विशेषता इसमें पाई जाती है। एटीट्यूड कैन रेंज स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव टू नेगेटिव हो सकते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप होता है, या फिर एटीट्यूड इनेट होता है और एक्वायर्ड होता है, बोथ। तो ध्यान में रखेंगे इस चीज़ में, आप थोड़ा फंस भी सकते हो, जिसने प्रीवियस ईयर पेपर दिया है 2022 का उनको दिक्कत भी आई होगी इसमें, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन आपका सही बैठता है, क्योंकि जो एटीट्यूड होता है ना वो इनेट और एक्वायर्ड दोनों नहीं होता, ठीक है, मतलब ये जन्मजात और अर्जित दोनों नहीं होती है। एटीट्यूड बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके बिलीव क्या है किसी भी चीज़ के बारे में, वैसा ही आपका एटीट्यूड हो जाता है, ठीक है। तो एटीट्यूड आपका कंट्रोल्ड किसके द्वारा किया जाता है, कि आपकी क्या बिलीव है, आपकी क्या आस्थाएं, आप क्या समझते हो, क्या आप सोचते हो। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है, ठीक है। आंसर की आंसर की के भी अकॉर्डिंग आपका फोर्थ ही यहाँ पर सही है, तो नाइन्थ का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। Which of the following statement is correct about the development of children? बच्चों के विकास के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है, करेक्ट पूछा है आपकी बात। तो डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी, ओनली चीज जहां भी आ जाती है ना वो स्टेटमेंट आपकी कभी सही नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि और वैसे भी गलत चीज है, आपका डेवलपमेंट सिर्फ अनुवांशिकता पर डिपेंड नहीं करता, जितना अनुवांशिकता पर डिपेंड करता है उससे कहीं ज्यादा एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण पर डिपेंड करता है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही नहीं है। फिर कहता है डेवलपमेंट फॉलो अ रैंडम पैटर्न, मतलब कोई भी रैंडम पैटर्न को फॉलो करता है डेवलपमेंट, या फिर डेवलपमेंट एक कुमुलेटिव प्रोसेस होता है, या फिर डेवलपमेंट एस्पेक्ट जो होते हैं डेवलपमेंट के वो इंटर रिलेट नहीं करते, मतलब जितने भी आयाम हैं वो अंतर संबंधित नहीं होते, तो ये भी गलत है, वो सारे आयाम आपस में अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। और ये भी बिल्कुल गलत बात है कि डेवलपमेंट कोई भी एक रैंडम पैटर्न को फॉलो करता है। तो आपका बचा हुआ है ऑप्शन नंबर 3, यही आपका बिल्कुल सही है कि जो डेवलपमेंट होता है एक कुमुलेटिव प्रोसेस है, मतलब आपका आप इसको ऐसे मान सकते हो कि मतलब हर उसमें हर टाइम मतलब ये चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट एक कुमुलेटिव प्रोसेस है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। विकास से रिलेटेड मतलब जो डेवलपमेंट टॉपिक है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन मस्ट आता है, ठीक है, और डेवलपमेंट से मतलब वो क्वेश्चन आते हैं जरूर, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इससे अगली वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको नहीं छोड़ के जाने हैं, तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी ताकि आप अवेयर हो जाएं चीजों के प्रति। 11 क्वेश्चन देखिए, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ। अब देखो इंटेलिजेंस के जो टेस्ट है ना वो मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस करे हुए हैं, और अगर आपने वो कर रखे हैं तो आप इसका जवाब जो है वो दे सकते हो। बुद्धि परीक्षण के जो टाइप है ना वो हमने डिस्कस करे थे, जिसमें हमने देखा था कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल टेस्ट और एक होता है ग्रुप टेस्ट। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इंडिविजुअल में भी आपके दो टाइप के आ जाते हैं, एक है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। ग्रुप में भी एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, तो ये आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि कौन सा इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है, कौन सा इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट है, इन सभी के टाइप्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे। कौन से वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है और कौन से नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, कैटल का कल्चर जो फ्री टेस्ट है वो आपके नॉन वर्बल टेस्ट है। ठीक है, क्या है? नॉन वर्बल टेस्ट। अब यहाँ पर जो है आपके ग्रुप वगैरह का जिक्र नहीं है, लेकिन ये नॉन वर्बल टेस्ट है, इतना ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल है जो कि है नहीं, क्योंकि ये तो ग्रुप में है और ये ओनली ग्रुप की बात कर रहा है, लेकिन ये तो नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट है जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो आप नॉन वर्बल को मार्क करोगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि ये अशाब्दिक परीक्षण टेस्ट है। ठीक है, समझे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता की कौन सी विशेषता नहीं है? क्रिएटिविटी का मतलब होता है जब आपके अंदर कुछ नई चीज़ें उत्पन्न हो, आप नवीन विचारों के साथ आए, आप इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आए। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? देखो ओरिजिनलिटी तो बिल्कुल आती है इस चीज़ के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी भी बिल्कुल आती है। रिजिडिटी एक नेगेटिव टर्म है, रिजिडिटी मतलब कठोरता, तो क्रिएटिविटी है तो कठोरता का कोई काम नहीं है। फ्लुएंसी बिल्कुल सही शब्द है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही साधारण सा ऑप्शन, बहुत ही आसानी से आप इसको कैच कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि हमसे नोट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कौन से कारक जो है वो प्रभावित नहीं करते हैं, इनमें से कौन सा नहीं करता है? टीचिंग स्किल ऑफ ए टीचर, किसी भी शिक्षक का जो शिक्षण कौशल है क्या वो अफेक्ट नहीं करता, या फिर शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अफेक्ट नहीं करता, या फिर शिक्षक की जो विषय के प्रति ज्ञान है वो अफेक्ट नहीं करता, या फिर टीचर का फिजिकल अपीयरेंस यानी कि उसका शारीरिक रूप। तो भाई देखो टीचिंग स्किल तो बिल्कुल मैटर करता है, मानसिक स्वास्थ्य भी बिल्कुल मैटर करता है। टीचर अगर स्वस्थ ही नहीं है तो आपको कैसे डील कर लेगा, है ना। सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत मैटर करती है, लेकिन टीचर लग कैसा रहा है, दिख कैसा रहा है, क्या पहना है उसने, क्या कर क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर नहीं करती। ठीक है, तो ये भी बेसिक सा सवाल था, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आप विद इन सेकेंड्स जो है कैच कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े से आपके टाइम कंज्यूमिंग भी आते हैं। 14 क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज ग्रोथ ब्रिंग अबाउट इन चिल्ड्रन। कौन से बदलाव है जो कि वृद्धि लेकर के आती है बच्चों के अंदर। वृद्धि पूछा है यहाँ पर, डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, ग्रोथ की बात करी गई है। और जब ग्रोथ की बात आती है तो हम क्या बात करते हैं, हमारा मतलब शारीरिक अपीयरेंस की बात होती है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चरल चेंज है, फंक्शनल है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल है या फिर दोनों है, तो सीधी सी बात है ये आपका कौन सा चेंज हो जाएगा भाई, ये आपका स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका वेट का बढ़ना, आपकी हाइट का बढ़ना, ठीक है, ये सब क्या है भाई, ये आपके ग्रोथ से रिलेटेड आता है। ठीक है ना, तो 14th का बहुत ही सीधा सा सवाल का जवाब है ये, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक्सेलरेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्लान फॉर एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। भाई दो तरीके के बच्चे होते हैं भाई, चाइल्ड कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक होते हैं नॉर्मल बच्चे, ठीक है, जिनका जो IQ है वो 922-110 होता है, ठीक है, और एक होता है आपके मतलब इनको छोड़ करके जो भी बच्चे हैं ना वो सब आपके स्पेशल बच्चे में आते हैं। फिर चाहे वो बच्चे मेंटल रिटार्डेशन हो, लो लर्नर हो, चाहे फिर आपके ये गिफ्टेड बच्चे हो,
ठीक है, कैसे भी बच्चों, सुपीरियर बच्चों, कैसे भी बच्चे, वो सब आपके स्पेशल के अंदर आते हैं। तो ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है, अभी साइंस वाले तो समझ ही रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब होता है आप जब किसी भी चीज़ में स्पीड कर ला देते हो, ठीक है। तो त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, तो आपको इसमें बताना है गिफ्टेड बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली, स्लो लर्नर के लिए, लर्निंग डिसेबल्ड या फिर मेंटली रिटार्डेड। तो अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर दिमाग लगाएंगे ना तो भी आप इस सवाल को कर सकते हो, क्योंकि आप एजुकेशन में एक्सलरेशन ला रहे हो, यानी कि आप एजुकेशन में थोड़ा सा बिल्कुल ही मतलब एक स्पीड अप ला रहे हो। तो स्पीड अप स्लो लर्नर के तो ला नहीं सकते, लर्निंग डिसेबल्ड के लिए तो कैसे ही ला देंगे, और मेंटली रिटार्डेड के तो बिल्कुल भी नहीं ला सकते। तो हम किसके लिए ला सकते हैं भाई, गिफ्टेड बच्चे के लिए। गिफ्टेड बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं ये जो नॉर्मल बच्चों से कहीं ज़्यादा मतलब प्रभावी होते हैं, इनकी कैचिंग पावर बहुत ही गजब की होती है। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो मान लीजिए अगर चौथी क्लास में है तो वो पांचवी छठी के सवाल सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम इसलिए करते हैं, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि मतलब अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है कि वो बहुत ही छोटा है, वो है तो सिक्स क्लास के लायक, लेकिन वो सवाल सोल्व कर देता 10वीं क्लास तक के, तो ऐसे में उस बच्चे को हम जंप करके उस क्लास में बिठा सकते हैं। मतलब कि अगर करिकुलम 6th क्लास में है बच्चा, और 6th क्लास का करिकुलम तो जब वो 10वीं क्लास का कर पा रहा तो 6th का नहीं कर पाएगा, तो 6th क्लास में अगर हम उसको रखेंगे तो वो तो बोर हो जाएगा ना, वो तो फिर बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो हम उसको जंप करवा दे डायरेक्ट, ठीक है, और उसको 10वीं क्लास का पाठ्यक्रम अगर हम पढ़ाने लग जाएं तो वो क्या कहलाया जाता है, वो एक्सलरेशन कहलाया जा सकता है ना। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, छोटे छोटे उम्र में जो है लोग IAS बन जाते हैं, छोटे छोटे उम्र में वो जो है क्या बोलते हैं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे यहाँ पर डिग्रियां ले लेते हैं, ठीक है, कॉलेज वगैरह में एडमिशन ले लेते हैं। तो वो क्या है, वो आपका यही है एक्सलरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे कि हम किस बच्चे के लिए करते हैं, वो हम गिफ्टेड बच्चों के लिए करते हैं। इतना समझ में आया यहाँ से, यानी कि जिनका IQ बहुत 140+ का होता है ना वो बच्चे होते हैं ये, ठीक है। 16th क्वेश्चन पे चलिए, 16th क्वेश्चन कहता है आधा हो चुके हैं आपके, बिकॉज 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ री इन्फोर्समेंट स्केड्यूल इज टू री इन्फोर्स ईच करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द लर्नर इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमने ऑपरेंट देखो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग से, है ना। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का ये 2nd क्वेश्चन है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग था सभी के लिए लास्ट ईयर में, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रीइन्फोर्समेंट, देखो रीइन्फोर्समेंट यानी कि पुनर्बनल का जो अनुसूची है उसको मैंने कल आपके साथ डिस्कस भी किया था, जिसमें हमने इंटरवल और ये जो फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल इंटरवल, ये सब पढ़ा था हमने, है ना। इंटरवल आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका टाइम से, समय से रिलेटेड है, और जबकि आपका जो रेशियो है वो किससे रिलेटेड है, वो आपके रेस्पॉन्स रेट से रिलेट करता है। ये बताया था मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, कल ही मैंने थ्योरीज करवाई है। तो व्हाट टाइप ऑफ रीइन्फोर्समेंट स्केड्यूल इज टू रीइन्फोर्स ईच करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द लर्नर, यानी कि जितनी बार बच्चा जो है सही रेस्पॉन्स देगा उतनी बार आप उसको रीइन्फोर्समेंट दे रहे हो। एक बार कर रहा है तो भी दे रहे हो, हर बार उसको रीइन्फोर्समेंट दे रहे हो, तो ये किस प्रकार का रीइन्फोर्समेंट स्केड्यूल है। तो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, एक था कंटिन्यूअस और एक था पार्शियल, ठीक है। पार्शियल मतलब आप कभी कभी दे रहे हो, कंटिन्यूअस मतलब आप उसको हर बार दे रहे हो, वो मतलब वो जितनी बार बच्चा सवाल आपको दिखा रहा है आप उसको हर बार रीइन्फोर्समेंट दे रहे हो, ये सही नहीं होता, इससे बच्चा बोर हो जाता है। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि आप हर करेक्ट रिस्पॉन्स पर दे रहे हो, तो इसका मतलब आप कौन सा रीइन्फोर्समेंट कर रहे हो, उसको आप कंटिन्यूअस कर रहे हो, ठीक है, आप उसको लगातार रीइन्फोर्समेंट दे रहे हो। तो यहाँ पर 16th का जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है, आप उसको सतत पुनर्बलन जो है वो प्रोवाइड करने का काम कर रहे हो, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और 17 क्वेश्चन जो है आपको, आप पढ़िए इसको अच्छे से, एक सेकेंड। डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ, ये भाई आता ही आता है चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, ये आता ही आता है, जबकि ये बहुत ईजी है बट आता ही आता है, बट होते हैं ना कुछ चीज़ें जो आनी आनी होती है, इनके बिना पेपर अधूरा है। तो जो विकास है वो कैसे प्रोसीड करता है, एक तो प्रोसीड करता है सर से लेकर के पैर तक, और एक आपके इंटरनल पार्ट से आउटर पार्ट तक, ठीक है। ये जैसे एक बच्चा है, मैं फिर से सुंदर सा एक बच्चा बना देती हूँ, टेढ़ा बच्चा बना दिया मैंने, ठीक है, ये छोटा सा मैंने बच्चा बनाया है, ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी, ठीक है। चलो तो आपका सर से लेकर के और पैर तक जो आपका डेवलपमेंट चलता रहता है ना, उसको बोला जाता है कैफेलोकोडल,
ठीक है, सिफेलोकोडल, कैफेलोकोडल जो आपका प्रोनाउंसिएशन हो वो ये होता है, तो ऑप्शन तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन प्रोक्सीमोडिस्टल होता है जब आपका सेंटर से आउटर की तरफ चले, ठीक है, सेंटर से आउटर की तरफ जब आपका डेवलपमेंट होता है तो वो आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, स्पाइरल का मतलब होता है डेवलपमेंटल आपका ऐसे स्पाइरल चलता है, ऐसे लीनियर नहीं चलता कभी भी कि एक रेखा में चला जा रहा है, कभी ऐसा नहीं होता। तो डेवलपमेंटल आपका लीनियर ना होकर के कैसा होता है, स्पाइरल होता है, ठीक है, और ये कुछ नहीं होता। तो 617 का जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपसे सेंट्रल टू आउटर पूछे तो फिर आप प्रोक्सीमोडिस्टल मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आ गया है भाई यहाँ पर। अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन विच द क्वेश्चंस आर सिमिलर इन डिफिकल्टी, मतलब जो सवाल पूछे जा रहे हैं बुद्धि परीक्षण में आपसे, उनकी जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो सेम है, ठीक है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम है, यानी कि जो कठिन प्रश्नों की जो मात्रा वो सेम है, बट मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द टाइम एलिमेंट। लेकिन जो ज़्यादा फोकस किया दिया गया है, महत्व दिया गया है, वो समय को दिया गया है, ठीक है। डिफिकल्टी सेम है सब क्वेश्चनों की, लेकिन समय को महत्व दिया गया है। तो ये आपका कौन सा परीक्षण है, ये आपका स्पीड होता है, स्पीड टेस्ट है, पावर टेस्ट है, वर्बल टेस्ट है, या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो ध्यान में रखेंगे, जब भी बात आती है कि आपकी जो डिफिकल्टी है वो सेम है, लेकिन टाइम एलिमेंट यहाँ पर डिपेंड करता है, तो ये आपकी स्पीड की बात हो रही है कि क्वेश्चंस तो सेम डिफिकल्टी के है, लेकिन आप कितने टाइम में उसको बना सकते हो, तो वो आपकी स्पीड होती है, ठीक है। तो स्पीड टेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। पावर टेस्ट का मतलब होता है जहाँ पर आपकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, वहाँ पर सेम नहीं है, ठीक है ना, और टाइम की कोई भी लिमिट नहीं होती, तो वो पावर के अंदर आ जाता है, ठीक है। स्पीड का मतलब ये होता है कि आपकी डिफिकल्टी सेम है, लेकिन आपका जो टाइम पर है फोकस किया जाता है, तो वो स्पीड आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। और ये जो है ना, ये आपको हर लेवल में पूछा गया था, लास्ट ईयर पीआरटी में भी, पीजीटी में भी, और टीजीटी में भी। तो इसमें थोड़ा सा भी अगर और संशय है तो आप इसको ब्रॉड में अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 18 क्वेश्चन हो चुका है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सन, फिर से आ गया पर्सनालिटी का। मैंने कहा था पर्सनालिटी बहुत ही मस्ट टॉपिक है, नहीं छोड़ के जाना है इसको, कोई बुराई नहीं है पढ़ने में, टाइम नहीं है ना, तो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है, 4-5 वीडियोस हैं और छोटी छोटी है, इतनी बड़ी घंटे घंटे की वीडियोस नहीं है, ठीक है। तो आप उनको आराम से देख सकते हो, और वो अगर देख लोगे तो फिर पर्सनालिटी से एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कौन सा सब्जेक्टिव मेथड नहीं है पर्सनालिटी का इनमें से? तो भाई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था, एक होते हैं नॉन प्रोजेक्टिव, एक होता है प्रोजेक्टिव। नॉन प्रोजेक्टिव में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आता है, इनको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, और प्रोजेक्टिव आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है, जिसमें आपका वर्ड एसोसिएशन आ जाता है, रिसर्च इंक ब्लास्ट इंक ब्लोट आ जाता है, ठीक है, और आपका थीमेटिक एपरसेप्शन आता है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये सारे आपके प्रोजेक्टिव के हैं, ठीक है। इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ऑटोबायोग्राफी, ये सब आपके सब्जेक्टिव में आते हैं, लेकिन जो वर्ड एसोसिएशन है वो किसका हिस्सा है भाई, वो प्रोजेक्टिव टेस्ट का, ठीक है। प्रक्षेपी विधियाँ हैं ये, ठीक है ना, तो ध्यान में रखेंगे, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। 19th का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये कहता है कि मीनल जो है वो एवरेज है इंटेलिजेंस में, मीनल जो है बुद्धि में औसत है, क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता उसमें कम है, वो लो है उसमें, लेकिन उसमें जो एडजस्टमेंट की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा करने वाली, वो हाई लेवल है, यानी कि वो खुद को एडजस्ट कर लेती है किसी भी सिचुएशन में। उसका बुद्धि कम है, बुद्धि एवरेज है, औसत है, क्रिएटिविटी नहीं है बिल्कुल भी, वो लो है, लेकिन वो एडजस्ट कर लेती है, कैसे भी सिचुएशन हो वो खुद को समायोजन कर लेती है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है, ये इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस का उदाहरण है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस का है, ऑब्जर्वेबल या फिर एक्सपेक्टेड, तो ये दो तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको आंसर इन दो में करना है। यहाँ पर मीनल की खुद से बात हो रही है, मीनल का किसी और के साथ नहीं बात हो रही है, और जब आप खुद से करते हो ना खुद का, तो वो क्या कहलाया जाता है, वो इंट्रा कहलाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इंट्रा आएगा, लेकिन अगर ये कहा जाए कि भाई आपस में जो लोग हैं, जो पीपल है, वो उनकी अगर बात हुई तो फिर वो इंटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात जो है मीनल की हो रही है कि मीनल एडजस्ट कर लेती है, तो यहाँ पर अगर मीनल किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान की बात है तो इसमें बी आंसर आ जाएगा, इंट्रा,
ध्यान में रखेंगे, इंट्रा और इंटर में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये होवर्ड गार्डनर में भी आता है, इंट्रा और इंटर, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। इंट्रा मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर, और इंटर मतलब आपस में, ठीक है। तो आप इसको, इस चीज को ऐसे ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच टाइप ऑफ करिकुलम डिड ब्रूनर सजेस्ट टू फॉलो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ब्रूनर ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, ठीक है, ब्रूनर ने भी थ्योरी दी है, और उन्होंने इंक्लूसिव करिकुलम की बात करी है, स्पाइरल की करी है, स्पेशल की करी है, या फिर इंटीग्रेटेड की करी है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना, इन्होंने स्पाइरल करिकुलम की बात करी है, ठीक है। इन्होंने किस पाठ्यक्रम की बात करी है, सर्पिल पाठ्यक्रम की बात करी है, जो कि ये वाला है, ठीक है, सर्पिल पाठ्यक्रम की बात करी है। तो 21 का सीधा सा जवाब है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हु डेवलप्ड द सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। बहुत ही बड़ा सवाल है ये, बहुत ही बड़ा सवाल है, शायद आपको करने में बहुत दिक्कत आई है ना। चलो, सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो ये तो आंख बंद करके हम आगे तो जाएंगे ही नहीं, हमें पहले ही वाइगोत्स्की दिखाई दे रहे हैं, और वाइगोत्स्की ही यहाँ पर आपके आंसर हो जाते हैं, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, ठीक है। विकास की ही बात करते हैं या डेवलपमेंट की ही बात करते हैं, लेकिन सोसाइटी पे फोकस करते हैं, ठीक है, कल्चर की बात करते हैं। चलिए, 22 का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मैकेनिज्म कॉल्ड थ्रू विच अ चाइल्ड ट्राइज टू चेंज हिज ओन ईगो टू दैट ऑफ समवन एल्स। क्या है इसका आंसर, किस, क्या बोला जाता है इस मैकेनिज्म को, जिसमें बच्चा जो है वो खुद के अपने ईगो को, खुद के जो आप उसका अहम है, उसको दूसरों के साथ परिवर्तन करने की कोशिश करता है। सिंपल सी भाषा में इसको ऐसे समझो कि वो खुद के जो चीज़ें हैं, जो बिलीव है, जो थॉट पैटर्न है, वो दूसरों की तरह बनाने की कोशिश, खुद की पर्सनैलिटी को दूसरों के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करता है। तो ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, ये आपकी क्या है भाई, डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, जिनके बारे में फ्रूड बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पर आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन, यानी कि दूसरों की आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश जब बच्चा करता है तो वो आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे होता है ना, अभी स्कूल में कोई टीचर बहुत बढ़िया सा आया है, उसके कुछ हेयर स्टाइल को बच्चे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसके पहनावे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है, मतलब दूसरों की आइडेंटिटी को खुद के अंदर धारण करने की कोशिश, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन का हिस्सा है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। 23 का ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। गिलफर्ड ने 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, 3D थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर दी है, ठीक है, इसको इंटेलेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, तो काफी सारे नाम है, और ये मैंने आपको करवाई हुई है। तो इसके अंदर क्या इन्होंने कहा है, इन्होंने जो ये बुद्धि का जो ये मॉडल दिया है, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा इसका हिस्सा नहीं है, ऑपरेशन नहीं है, कंटेंट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, या फिर कॉग्निशन नहीं है। तो ये सिंपल सा सवाल है, इसमें आपका कॉग्निशन नहीं आता, ऑपरेशन की भी बात होती है, कंटेंट की बात होती है, और प्रोडक्ट की। ये कहते हैं कि बुद्धि के ये 3 डायमेंशन होते हैं, तो गिलफर्ड जो है बुद्धि के 3 डायमेंशन की बात करते हैं, जिसमें ऑपरेशन के जो सब पार्ट है वो 6 है, ऑपरेशन के सब पार्ट 6 है, कंटेंट के 5 है, और प्रोडक्ट के 6 है, और इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सब टोटल आता है 180, ठीक है। तो इंटेलिजेंस के कितने फैक्टर टोटल, जो फैक्टर्स की बात करी है गिलफर्ड ने, वो 180 बताएंगे आप आज के टाइम पर। पहले ये 120 बताई, फिर 150 करी, और आज के टाइम में ये कितनी है, 180 है, और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा एग्जाम में, ठीक है। तो गिलफोर्ड का ये चीज़ें आप जरूर ध्यान में रखेंगे, मैंने नोट्स में सब चीज़ अपलोड करी हुई है, और यूट्यूब पर भी आपको करवाया हुआ है। ये जितने क्वेश्चन अभी आए हैं ना, उसमें से एक या दो क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सब मैंने यूट्यूब पर करवाया, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मेरे नोट्स अगर आपने पढ़ लिए ना, या फिर आप पढ़ लेंगे और फिर अगर इनको आप बनाने बैठेंगे ना, तो आपकी 28 प्लस मार्क्स यहाँ पे पक्का है, विद गारंटी, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन क्या कहता है, हु प्रोपाउंडेड द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो किसने दी है भाई, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस मैंने आपकी करवाई है, वैसे तो होवर्ड गार्डनर की इंपॉर्टेंट है काफ़ी, लेकिन ये भी पूछ ली जाती है, तो मैंने तो अपने तरफ से करा दिया, बाकी आपके श्रद्धा है कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो गार्डनर ने तो भाई, होवर्ड गार्डनर ने तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, गिलफर्ड ने तो 3D मॉडल दिया है, ठीक है, ये है नहीं, तो बचे हैं कौन हमारे, स्टर्नबर्ग,
ठीक है, इनकी कौन बचे हैं भाई, स्टर्नबर्ग बचे हैं। तो स्टर्नबर्ग ने दी है आपके ट्रायर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बेसिक सा सवाल था, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा स्टेट में यहाँ से भी सवाल ज़रूर देखती हूँ। ये कहते हैं फैमिली और जो स्कूल है, परिवार और जो स्कूल है, वो आर द एग्जाम्पल ऑफ विच एनवायरमेंटल सिस्टम इन ब्रोनफिन ब्रेनर ने इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी दिया है। ठीक है, बेसिकली जो सोशलाइजेशन है उसके अंदर ही हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। किसी ने कमेंट किया था कि मैम ये तो है ही नहीं थ्योरी, फिर आप क्यों करा रहे हो। भाई मैं ऐसे ही नहीं करा रही हूँ, है ना, मैंने क्वेश्चन देखे इसलिए मैंने कराए हैं, तो ये भी मैंने करवाया है। ठीक है, अब वो वाली फिर से लाइन कहूँगी कि आपकी श्रद्धा है, आप करते हो कि नहीं करते हो। मैंने तो आपको कभी कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं कराई, मैंने वो चीज़ें करवाई है जो आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, तो कौन सी आपके एग्जाम्पल है, मतलब किस में आती है। तो बेसिकली अगर इस मॉडल की हम बात करें तो ये कहते हैं कि किसी बच्चे के सराउंडिंग में ना, एनवायरनमेंट में बहुत सारी लेयर होती है, बहुत सारी लेयर होती है जिसका उसके विकास पर फर्क पड़ता है। ये बच्चा है, ये चाइल्ड है, इसके इर्द गिर्द बहुत सारी लेयर होती है, और इन लेयर को ना आपको सीरीज वाइज पता होना चाहिए, बिकॉज आपसे सीरीज भी पूछा गया था एक बार कि कौन सा पहले आता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो लेयर आती है बच्चे के सराउंडिंग में वो आती है माइक्रो। ठीक है, फिर आती है मीजो, फिर आती है एक्सो, फिर आती है मैक्रो, और फिर आती है क्रोनो। ये सीक्वेंस ध्यान में रख लेना, ये पांच लेयर होती है जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, जिसका बच्चे के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। ठीक है, तो जो फैमिली और स्कूल है वो किसका हिस्सा होती है भाई, वो माइक्रो का हिस्सा होती है। सेकेंड ऑप्शन सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो माइक्रो का हिस्सा होती है। मीजो का मतलब होता है कि जो माइक्रो में जो आया है ना, फैमिली, स्कूल, फ्रेंड, इन सब का रिलेशन यहाँ पर, इन सब का कनेक्शन आपस में यहाँ पर आता है। एक्सो का मतलब होता है ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट जो बच्चा उसके डायरेक्ट प्रभाव में नहीं है, लेकिन बच्चे का उस पर असर पड़ता है। ये सब मैंने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बताया, आप उसको अच्छे से देखना। मैक्रो का मतलब होता है कि वैल्यूज से रिलेटेड, ठीक है, कल्चर से रिलेटेड, क्रोने मतलब टाइम से रिलेटेड होता है। ये सारी चीजें तो मैंने शॉर्ट में बता दी हैं। 26 का अगर आंसर की बात करें तो माइक्रो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा पेयर है जो सही नहीं है। ठीक है, तो देखो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आराम से आंख बंद करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। पियाजे ने तो भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, बेंडियोरा ने सोशल लर्निंग की थ्योरी दी थी, एरिक्सन की थ्योरी हम सबको पता है, इन्होंने आठ जो है स्टेजेस में बांटे हैं सब कुछ सारी चीज़ें, और वाइगोत्स्की ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी नहीं दी थी, वाइगोत्स्की ने सोशो कल्चर थ्योरी दी थी। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे ने भी दी थी, लेकिन हम ज़्यादा किसको पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कोलबर्ग को। ठीक है, तो वाइगोत्स्की ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि ये पेयर आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। 28 क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल एडजस्टेड पर्सन। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो अच्छे तरीके से समायोजन कर लेता है, उसकी कौन सी विशेषताएं नहीं है। ठीक है, वो कर लेता है लेकिन उसकी विशेषताएं कौन सी नहीं है, बाकी सब है, एक नहीं है। अवेयरनेस ऑफ हिज ओन पोटेंशियल एंड लिमिटेशन, वो एडजस्टेड है, वो एडजस्ट कर पाता है, तो उसको अपनी क्षमता और सीमाओं के बारे में, जागरूकता के बारे में पता है, वो दूसरों का सम्मान करता है, बैलेंस्ड एस्पिरेशंस उसकी संतुलित आकांक्षाएं हैं, और उसके व्यवहार में रिजिडिटी है। तो भाई आंख बंद करके आप इसको कर सकते हो, है ना, फोर्स बिल्कुल सही आ जाएगा। जब वो वेल एडजस्टेड ही है तो फिर काहे का उसका व्यवहार में रिजिडिटी आएगी, है ना, काहे आएगी, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए ये इसकी विशेषता नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, लग रहा है ना इजी, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये चीजें बहुत ईजी लग रही होंगी। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, उसके बाद आप आराम से क्वेश्चंस एग्जाम में बना लेंगे। मेंटल हेल्थ इज द फुल एंड हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनालिटी। भाई जो मानसिक स्वास्थ्य है, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। तो डेफिनेशन जो है ये किसके द्वारा दी गई है, अब ये तो चीज़ें देखो बहुत, मतलब एक तो आता ही आता है कि ये चीज़ किसने कही है, और इसका मुझे भी बहुत, मतलब ऐसा मुझे भी थोड़ा अच्छा ही लगता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई याद ही करने वाले होते हैं कि किसने क्या कहा है। ठीक है ना, तो पर्सनालिटी का ये है, तो ये जो कहा भाई वो ऑप्शन नंबर टू सही है, हेडफील्ड ने ये कहा है। ठीक है, तो हेडफील्ड ने ये कहा है, ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत अजीब लगते हैं। ठीक है, चलो 30 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का।
ऐसे ही हम लोग अपनी सीरीज को बनाए रखेंगे, डेली एक क्लास में आपको सीडीपी से रिलेटेड ऐसे दे दूंगी, ठीक है। लास्ट ईयर, आउट ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट हु इज नॉट रिलेटेड विद गेस्टाल्टिज्म, गेस्टाल्टवाद से कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट रिलेटेड नहीं है। मैंने बहुत बार आपको क्लासेस में चीख चीख कर बताया है गेस्टाल्टिज्म क्या होता है। गेस्टाल्टिज्म को हिंदी में भी गेस्टाल्टवाद बोलते हैं, ठीक है, गेस्टाल्टवाद बोलते हैं। इनसे संबंधित जो है कौन कौन, देखो गेस्टाल्टिज्म का मतलब होता है आप किसी भी सिचुएशन को एज ए होल देखते हो, ठीक है, टुकड़ों में ना देखते हुए एज ए होल देखते हो। और ये आपकी जो थ्योरी है ना, इनसाइट थ्योरी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर का, ये मैं करवा दूंगी, ठीक है। ये है उसमें गेस्टाल्टवाद में, ये आता है गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड है ये, यानी कि आप किसी भी सिचुएशन को एज ए होल देखते हो, टुकड़ों में नहीं देखते हो, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड भाई आपके जितने भी जो आपके के वाले है ना वो आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सबर करो। कोलर आता है, कोफ्का आता है, वर्धीमर आता है, जबकि क्रैशमर आपका नहीं आता। ये आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए होते हैं, पर्सनालिटी की थ्योरी इन्होंने दी थी, ठीक है। लेकिन कोहलर इससे रिलेटेड करता है गेस्टाल्टिज्म में, कोफ्का करता है और वर्धीमर करता है। अगर गेस्टाल्टिज्म के फादर पूछे जाएं तो कौन है भाई, मैक्स वर्धीमर, ठीक है, मैक्स वर्धीमर ये इसके फादर है, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन हमने करे हैं, बताना मुझे कैसी लगी आपको आज की क्लास, ठीक है, जरूर कमेंट करके बताना, इसको जरूर शेयर करना सभी के साथ, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और सभी को ये जो पूरा पेपर है ये मैं आपको किस नाम से सीडीपी प्रैक्टिस में ही डाल दूंगी, जो मैंने प्रैक्टिस फोल्डर बनाया हुआ है ना उसी में ही डाल दूंगी, और आंसर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, शेयर करें सभी के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।